डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी में स्पेसिफिक इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। बट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, कैसे यूटिलाइज करना है, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले ये जान लें कि जीएसटी क्या है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको हम जानते हैं, ये टैक्स सबसे पहले फ्रांस ने अप्लाई किया हुआ था, बट देन आफ्टर अलग अलग कंट्री ने उसको फॉलो किया और देन आफ्टर 2017 में इंडिया ने भी अपनी कंट्री में अप्लाई कर दिया जीएसटी। ऑब्वियसली इंडिया में बात तो ईयर 2000 से हो रही थी, बट एक दो तीन नहीं 17 साल लग गए पूरे इंडिया में जीएसटी अप्लाई करते करते। अब जीएसटी से क्या बेनिफिट होता है, तो ऑब्वियसली जो टैक्स इवेशन होगा, जो टैक्स की चोरी हो रही थी ना, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। यस ऑब्वियसली हम पूरा उसको नील तो नहीं कर सकते, जीरो तो नहीं कर सकते, बट ऑब्वियसली जो टैक्स चोरी हो रही थी स्पेसिफिकली इनडायरेक्ट टैक्स में, वो हम यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। जीएसटी नाम में लिखा हुआ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ऑब्वियसली ये गुड्स एंड सर्विस के ऊपर लगेगा, तो इसकी वजह से इनडायरेक्ट टैक्स होगा। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या हुआ, चाहे कोई बंदे के पास बहुत सारा पैसा है, दैट मींस वो रिच पर्सन है या फिर पुअर पर्सन है या फिर मिडिल क्लास का है, उन सबको एक ही सेम परसेंटेज एप्लीकेबल होगा कि पर्टिकुलर चीज पे इतना आपको टैक्स पेमेंट करना होता है। तो ये था पूरा जीएसटी के बारे में। बट जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, अब ये जान लेते हैं। अगर मैं कहीं से कुछ गुड्स परचेस कर रहा हूं, सपोज मैंने कहीं से दो पेन परचेस की, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई जो मैं गुड्स ले रहा हूं उसके तो पैसे पेमेंट करने ही है, बट साथ साथ में इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी करना रहेगा जिसको हम बोलते हैं जीएसटी। तो मैंने वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस जीएसटी दोनों का पेमेंट कर चुका हूं। अब ये पेन मैं खुद यूटिलाइज नहीं कर रहा हूं, खुद कंजम्पशन नहीं कर रहा हूं, कुछ भी प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है, बट आगे मैं किसी और को सोल्ड कर रहा हूं। अब मैं सोल्ड कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कोई सेवा करने नहीं बैठा हूं, मैं भी अपना मुनाफा देखूंगा, मैं भी यहाँ पे प्रॉफिट को कंसिडर करूंगा। तो इस ये जो प्रोडक्ट है मैंने जितने भी परचेस किए उसमें से मैं प्रॉफिट अपना ऐड कर दूंगा, प्रोडक्ट सामने वाले बंदे को सोल्ड कर दूंगा, उसके पास से भी मैं पैसे कलेक्ट करूंगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस एडिशन जीएसटी। अब जीएसटी है तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, टैक्स दैट मींस अ गवर्नमेंट रेवेन्यू, ये मेरी तो रेवेन्यू है नहीं, तो ये जो भी जीएसटी के पैसे आए हैं सारे मैं डिपॉजिट कर दूंगा गवर्नमेंट में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो। बट जो मैंने पहले टैक्स पेमेंट कर चुका हूं वो अपने पैसे में निकाल दूंगा साइड में, दैट मींस टैक्स जो मैंने पहले ऑलरेडी पेमेंट कर चुका हूं वो अपने में पैसे निकाल दूंगा। टैक्स का बर्डन मैं क्यों बेयर करूं जब मैंने चीज आइटम गुड्स का यूटिलाइज ही नहीं किया हुआ है, तो यहां पे मेरे को बेयर करने की जरूरत नहीं है। तो हम इतना बोल सकते हैं जीएसटी में फाइनल कंज्यूमर, दैट मींस अ फाइनल कस्टमर जो होगा वही जीएसटी बेयर करेगा, अदरवाइज उसके आगे जो भी चैनल होगी उन सबको क्रेडिट मिलता जाएगा। अब ये जानना जरूरी होगा कि कितने अलग अलग टाइप के हमारे पास जीएसटी होते हैं। अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है इंटर स्टेट, दैट मींस एक स्टेट में से किसी और स्टेट में गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो वहां पे लगेगा आईजीएसटी, जिसके ऊपर हकदार होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। आईजीएसटी का जो भी पेमेंट जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगा। बट अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है इंट्रा स्टेट, दैट मींस स्टेट के अंदर अंदर ही ट्रांजेक्शन हो रहा है, That means purchaser और seller same state में available है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, same state में अगर available है, तो वहां पे लगेगा CGST और SGST। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, अगर मैं गुजरात में हूँ, आप भी गुजरात में हो, मैं आपको ये गुड सोल्ड आउट कर रहा हूँ, टैक्स कलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो टैक्स की रेवेन्यू आई उसमें से 50% चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 50% चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट, दैट मीन्स गुजरात गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट 50-50 के पार्टनरशिप किया हुआ है यहाँ पे। बट अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ, एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में गया अगर ट्रांजेक्शन, तो सीधा एप्लीकेबल होगा आईजीएसटी, जिसके ऊपर हक रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का,
वहां पे स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी मिलेगा नहीं। बट अगर यूनियन टेरिटरी में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वहां पे लगेगा यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी का जीएसटी अप्लीकेबल होगा। ऑब्वियसली एक और भी है कॉम्पोजिशन स्कीम, बट वहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो हम उसके बारे में आज डिस्कशन नहीं करने वाले। तो चार अलग अलग प्रकार के हमारे पास टैक्स हो गए। अब यूटिलाइज कैसे करना है? अगर मैंने कुछ आउटपुट किया हुआ है, गुड्स सोल्ड आउट किया हुआ है, मेरे पास टैक्स के पैसे आके पड़े हैं, आईजीएसटी है, आईजीएसटी मेरे को गवर्नमेंट में डिपॉजिट करना है कि नहीं करना है, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं मेरा पिछला रिकॉर्ड देखूंगा, क्या मैंने पहले आईजीएसटी पेमेंट किया हुआ है? यस, तो वो अमाउंट को मैं यूटिलाइज करूंगा, वो अमाउंट जितनी भी मैंने ऑलरेडी पहले पेमेंट करके रखी है वो अमाउंट मैं अपनी जेब में डालूंगा, बाकी की अमाउंट ही मैं आगे ट्रांसफर करूंगा। बट अगर मेरे पास आईजीएसटी में बैलेंस है, देन आफ्टर अगर सीजीएसटी यूज करना चाहते हो तो सीजीएसटी भी यूज कर सकते हो, एसजीएसटी यूज करना है तो एसजीएसटी भी, एंड देन आफ्टर यूटीजीएसटी भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो यहां पे क्या हुआ, अगर मेरे को आईजीएसटी पेमेंट करना है तो क्या मैंने पहले आईजीएसटी पेमेंट किया हुआ है? यस, तो उसमें से मैं अमाउंट सेट ऑफ कर दूंगा। उसके बाद सीजीएसटी पेमेंट किया हुआ है तो सीजीएसटी में से सेट ऑफ कर दूंगा। अगर मैं एसजीएसटी पेमेंट किया हुआ है पहले, तो एसजीएसटी भी मैं यहां पे यूटिलाइज कर सकता हूं फॉर द सेटिंग ऑफ आईजीएसटी, एंड देन आफ्टर यूटीजीएसटी का भी मैं यूटिलाइज कर सकता हूं। देन आफ्टर बात करते हैं, अगर मेरे को पेमेंट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को सीजीएसटी का, तो क्या मैंने कुछ अमाउंट पहले पेमेंट करके रखी है तो उसमें से मैं यूटिलाइज कर सकता हूं क्रेडिट को? अगर सीजीएसटी मेरे पास अवेलेबल नहीं है बैलेंस, तो दूसरा मैं आईजीएसटी में से भी यूटिलाइज कर सकता हूं। वैसे ही एसजीएसटी की बात करें तो सबसे पहले मैं यूटिलाइज करूंगा एसजीएसटी में से। अगर एसजीएसटी में से बैलेंस यूटिलाइज हम नहीं कर पाए, दैट मींस हमारे पास बैलेंस अवेलेबल नहीं है, तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे आईजीएसटी। तो यहां पे देखो बच्चों, सीजीएसटी में सिर्फ सीजीएसटी और आईजीएसटी ही हेल्प कर रहे हैं, यहां पे एसजीएसटी आपको हेल्प करने नहीं आ रहा। एसजीएसटी की बात करो तो एसजीएसटी एंड देन आफ्टर आईजीएसटी ही यूज कर रहे हैं हम लोग, सीजीएसटी यहां पे यूटिलाइज नहीं कर सकते। सेम एप्लीकेबल यूटीजीएसटी, अगर यूनियन टेरिटरी को जीएसटी पेमेंट करना होगा, यूटीजीएसटी पेमेंट करना है, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या मैंने पहले यूटीजीएसटी पेमेंट किया हुआ है, यस किया हुआ है तो उसमें से यूटिलाइज कर दूंगा। देन आफ्टर अगर यूटीजीएसटी में बैलेंस अवेलेबल नहीं है तो मैं आईजीएसटी का भी यूटिलाइज कर सकता हूं। तो ऐसे यूटिलाइज होता है हमारा पूरा जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब एक नॉर्मल एक छोटा सा एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं तो आपको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सपोज मैं यहां पे ट्रांजेक्शन कर रहा हूं मिस्टर ए के साथ जो गुजरात में है, मैं खुद भी गुजरात में हूं, मिस्टर ए गुजरात में है, मैं इसके पास से गुड्स परचेज कर रहा हूं अमाउंटिंग रुपीज 1 लाख, दैट मींस अ वैल्यू ऑफ सप्लाई इसके ऊपर, ये वाला बंदा गुजरात में, मैं गुजरात में, तो सीजीएसटी एससीएसटी अप्लाई होगा। तो यहां पे सपोज रेट ऑफ जीएसटी 18% है, तो यहां पे सीजीएसटी एससीएसटी कितना लगेगा, 9%, अभी बोला था 50-50% के पार्टनरशिप है, तो यहां पे 9000। अब समझो यहां पे क्या हो रहा है, मैं इस बंदे के पास से अगर परचेस कर रहा हूं तो मेरे को 1 लाख तो पेमेंट करनी है, वैल्यू ऑफ सप्लाई 9000 एक्स्ट्रा पेमेंट करना है, टोटल पेमेंट जाएगा मेरा 1,18,000 पेमेंट जाएगा। अब क्या होगा, मिस्टर ए के पास 1,18,000 है, वो 1 लाख तो डालेगा अपनी जेब में, 18,000 में से 9,000 पेमेंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 9,000 पेमेंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट को। अब समझो गुड्स मैंने इसको बेचा हुआ है, सॉरी मैंने इसके पास से परचेज किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी इसको टैक्स पेमेंट कर दिया, इसने गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट कर दिया। अब यही चीज मैं आगे किसी और को सोल्ड आउट कर रहा हूं और प्रॉफिट के साथ, सपोज मैंने इसी की वैल्यू 1,20,000 कर दी, 20,000 मेरा प्रॉफिट हुआ, तो 20,000 पे भी अगर जिस बंदे को बेच रहा हूं वो बंदा भी, सपोज मिस्टर बी, वो भी अगर गुजरात में है
तो इसके ऊपर भी 9% सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो 1,20,000 के होंगे यहां पे 9% दैट मींस सर 10,800। अब समझो क्या हो रहा है, मैं जो गुड्स बेच रहा हूं 1,20,000 में, वो तो मेरे को मिलेगा 10,800 भी मिलेगा, ये भी वाला 10,800 मिलेगा, बट ये तो सीजीएसटी और एसजीएसटी की अमाउंट है, तो इस अमाउंट को मेरे पास रखना है नहीं, ये तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू है तो गवर्नमेंट में डिपॉजिट करना रहेगा। बट 10,800 में सेंट्रल को नहीं दूंगा, मेरी तरफ से ऑलरेडी सेंट्रल को पेमेंट कर चुका हूं मैं, सेंट्रल को मैंने ऑलरेडी 9,000 पेमेंट करके रखा है, तो बाकी का 1,800 ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी मैं 10,800 नहीं देने वाला, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मैं 9,000 ही पेमेंट ऑलरेडी कर चुका हूं। ये पैसे मेरे थे जो मैंने मिस्टर ए को दिए थे, मिस्टर ए सिर्फ इंटरमीडिएटर था जो मेरे पैसे गवर्नमेंट तक पहुंचाता था, अदरवाइज पैसे मेरे थे, तो मैंने स्टेट गवर्नमेंट को ऑलरेडी 9,000 पेमेंट कर चुका हूं। यहां पे 10,800 मेरे हाथ में है, इसमें से 9,000 मैं निकाल दूंगा और 1,800 मैं स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर दूंगा। अब अल्टीमेट देखने जाए ना तो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू कितनी होगी, यही वाली होगी, क्योंकि ऑलरेडी 9,000 सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लेके बैठी है, ऊपर से मैंने 1,800 अभी दे रहा हूं। तो अल्टीमेट देखने जाए तो जीएसटी क्या मैंने पेमेंट किया, नहीं, मैंने तो अपना जीएसटी निकाल दिया, जो मैंने 9,000 दिए थे 10,800 मैंने लिया, उसमें से 9,000 मैंने अपनी जेब में डाले, 1,800 ही मैंने गवर्नमेंट में डिपॉजिट किया हुआ है। तो अल्टीमेट टैक्स कौन बेयर करेगा, अगर वो सामने वाला बंदा मिस्टर बी खुद अगर यूटिलाइज कर रहा है, तो वो अगर वो भी सामने किसी और को सोल्ड आउट करेगा तो सेम प्रोसेस अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज कर सकता है। बट सिक्वेंस अगर आईजीएसटी है, यूजीएसटी, यूटीजीएसटी है, एसजीएसटी है, सीजीएसटी, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आपको इसी सिक्वेंस में आपको फॉलो करना रहेगा। इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ये छोटा सा एक अराउंड 10 या 12 मिनट्स का लेक्चर था जिसमें जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे यूटिलाइज हुआ है उसके बारे में पूरा डिस्कशन किया हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लेना, चैनल पे आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलियो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ जिसको भी जीएसटी का कुछ नॉलेज चाहिए, या फिर एजुकेशन पर्पस के लिए या फिर प्रोफेशनल यूज के लिए, तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।